हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेद कुमार के घरेलू नुस्खे और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आलू खाने से होने वाले नुकसान के बारे में और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इससे कौन कौन से भयानक रोग हो सकते हैं। दोस्तों, आलू खाने के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, ये आप सब जानते हैं। ज़्यादातर सब्जियों में आलू का इस्तेमाल किया जाता है। आलू बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कहा जाता है कि आलू के बिना सब्जी अधूरी है, तभी तो लगभग हर सब्जी में आलू जरूर डाला जाता है। लेकिन जो लोग अपने वजन को लेकर कॉन्शियस रहते हैं वो आलू खाना बंद कर देते हैं। अगर शरीर के वजन को कम करना है तो आलू से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही शुगर के रोगियों को भी आलू खाने से दूरी बना लेनी चाहिए। वहीं अधिकतर लोग आलू को डीप फ्राई करके खाते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो चलिए आपको बताते हैं आलू खाने से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, एसिडिटी से परेशान लोगों को आलू नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ये बिल्कुल बात सही है। अगर आप आलू खा रहे हैं तो गैस की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आलू से ज़्यादातर लोगों को गैस हो जाती है। अगर आपको गैस होती है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप खाने में आलू का इस्तेमाल बहुत कम करें। आलू खाने से या अधिक फैट वाले आलू खाने से गैस की समस्या जरूर होती है, इसलिए सावधान रहें। नंबर दो, शुगर से परेशान लोगों को आलू नहीं खाने चाहिए। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आलू से बिल्कुल तौबा कर लें और आलू बिल्कुल ना खाएं। यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक और ख़तरनाक साबित हो सकता है। दरअसल शुगर को नियंत्रण में करने के लिए आपको आलू इनटेक पर नियंत्रण करना होगा। आलू में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिससे आलू में ग्लूकोज की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। शरीर में शुगर का स्तर ना बढ़े इसके लिए ज़रूरी है कि आलू का सेवन आप बिल्कुल ना करें और बिल्कुल इसका सेवन बंद कर दें। नंबर तीन, ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों को आलू नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आलू आपके ब्लड प्रेशर पर हमला कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, यह हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ा देता है। रिसर्च के अनुसार हफ्ते में 4 या उससे ज़्यादा बार आलू खाने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर के समस्या से बचाव के लिए आलू का सेवन ना करें या बहुत ज़्यादा कम करें। नंबर चार, वज़न बढ़ा सकता है आलू का सेवन। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो तकरीबन हर किसी को पता होती है कि आलू वज़न बढ़ाने का काम करता है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसके विपरीत, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं और पतला होना चाहते हैं तो आलू आपको फ़ायदे की जगह नुकसान दे सकता है। आलू को ज़्यादा खाने से फैट और कैलोरी में बढ़ोतरी होती है। और दोस्तों, आप जानते हैं, जब मोटापा बढ़ता है तो मोटापे के साथ कई खतरनाक रोग साथ में आ जाते हैं, जैसे शुगर की बीमारी और दिल की बीमारियां। इसलिए सावधान रहें, आलू आप सेवन ज़रूर करें लेकिन लिमिट में करें और इन चीज़ों को ध्यान में रखें जो भी हमने आपको बताई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताए गए टिप्स आपको अच्छे लगे हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आप देखते रहें वेद कुमार के घरेलू नुस्खे अच्छी और बेहतरीन हेल्थ के लिए और अच्छी वीडियो पाने के लिए, अच्छे टिप्स पाने के लिए वेद कुमार के घरेलू नुस्खे आप देखते रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।